तो आज हम बनाएंगे सूजी की क्रीमी और यमी रेसिपी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रीम बनाएंगे, तो इसके लिए एक पैन में आधा कप दूध डालेंगे। अब इसमें 1/4 कप मिल्क पाउडर और 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। इसे अच्छे से मिलाएंगे ताकि गुठलियाँ ना रहे। अब इसमें चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। ये देखिए, ये गाढ़ा हो गया है। तो इस स्टेज पे अब गैस को बंद कर देंगे। इसे थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में रखेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ये सेट हो जाएगा। अगले स्टेप के लिए मैं उसी पैन का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो दूसरा पैन भी यूज़ कर सकते हैं। अब पैन में डालेंगे 1 कप सूजी और इसे 2 से 3 मिनट भून लेंगे। सूजी के भूनने के बाद इसमें 1 कप दूध डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसमें और थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ, ये 1/4 कप जितना है। साथ ही इसमें टेस्ट के हिसाब से चीनी भी डालेंगे। दूध और सूजी अच्छे से पक गया है। इस स्टेज पे आप फ्लेम को बंद कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। एक बर्तन में थोड़ा सा घी या बटर लगा लेंगे और इसमें पके हुए सूजी को डालकर सेट कर लेंगे। अब तैयार किया हुआ मिल्क क्रीम इसके ऊपर डालेंगे और अच्छे से फैला देंगे।
थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट से इसे सजाएंगे और 30 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। बीस मिनट बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है और ये देखिए ये अच्छे से सेट हो गया है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए।